हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने डैंड्रफ को कैसे क्योर कर सकते हैं घर के अंदर ही। डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे स्कैल्प में हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है और हेयर फॉल भी इससे बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे हेयर ड्राइनेस की शिकायत होती है तो मैं आज आप लोगों के लिए इजी पीजी रेमेडी लेके आई हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक लेमन, ये देखिए लेमन कुछ इस तरीके से, और एक आपको बाउल चाहिए होगा, मैं अपने कप में यूज़ करती हूँ। और आपको चाहिए होगा एक ऑयल, जो भी आप प्रेफर करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो हेयर ऑयल लिया है वही आप यूज़ करें, तो आप ये कास्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, और आप यूज़ कर सकते हैं नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, और साथ साथ आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आपको वो हेयर ऑयल यूज़ करना है, ताकि आपको परेशानी ना हो कि मुझे ऑलिव ऑयल नहीं मिला, मुझे कास्टर ऑयल नहीं मिला। नारियल का तेल और सरसों का तेल लगभग लगभग सभी लोगों के घर में अवेलेबल होता है, तो कोशिश करें कि नारियल का या सरसों का तेल लें, या फिर आप अगर आपके पास है ऑलिव ऑयल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे स्टार्ट? ध्यान रखिएगा, सारी जो रेमेडी है वो आपको अपने हेयर लेंथ के हिसाब से करनी है। आप सभी लोगों को पता है मेरे बाल बहुत छोटे हैं, तो मैं एक हाफ लेमन इसके अंदर डाल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाफ लेमन। आपको जो इसके सीड्स हैं वो आउट कर लेने हैं। गर्मियों के अंदर लेमन इजीली अवेलेबल होता है, इवन दो सर्दियों में भी होता है। लेमन बहुत ही अच्छा एक एसिडिक एसिड है जो हमारे हेयर के अंदर से इचनेस को दूर करता है। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल बचा था तो मैंने सोचा इसी को मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर भी छोटे हैं। तो मैं इसमें अपने हेयर लेंथ के मुताबिक इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आई थिंक इतना इनफ होगा। अब इन दोनों चीज़ों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा पेशेंट होकर मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पानी और तेल को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपका ये मिक्सचर एकदम मिक्स हो जाए, अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, तब आपको क्या करना है, कॉटन की सहायता से या अपने हाथ को डिप करके ही अपने स्कैल्प में ये ईजिली अप्लाई कर लेना है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कैसे। और चलिए फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं।